राजधानी रायपुर में सेंट्रल जेल के बाहर बदमाश पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में थे और इसी बीच पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर रायपुर और दुर्ग की सीमा से दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शेख शहनवास और शाहरुख बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इनसे वारदात में इस्तेमाल किए गए कट्टे को भी बरामद कर लिया है। हालांकि इस वारदात का मुख्य आरोपी हीरा छुरा पुलिस के नाक के नीचे से फरार हो गया। मेघा हारा के सामने जो चालान की घटना हुई थी, इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है जो कुछ दिन पहले ही किसी मामले से जमानत पे छूटा है, रिहा हुआ था, वो अपने भाई से जो कि जेल में बंद है इसी मामले में उसे मिलने गया था और वहाँ से निकलकर जैसे मेघा हारा की तरफ जा रहा था उसी दौरान तीन से चार लोग आए, जिसमें एक शेख शाहरुख है, शाहनवाज है, तीसरा हीरा छुरा है और एक अन्य व्यक्ति है। ये तीनों चारों वहाँ पर पहुँचे हुए थे और देसी कट्टा से शेख साहिल पर गोली चालन किया था। जो शेख साहिल के गले में चोट आई है, गोली लगी है, उसकी हालत अभी स्थिर है और उसका इलाज जारी है। इसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक चंद घंटों में ही जो मुख्य आरोपी हैं शेख शाहरुख और शहनवाज, ये दोनों को पकड़ लिया है। इनको रायपुर और दुर्ग के बीच नाकेबंदी करके क्राइम ब्रांच की टीम, थाने की टीम ने इसे पकड़ा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। हीरा छुरा के लिए अलग से टीम गठित कर ली गई है, उसको भी जल्दी से पकड़ लिया जाएगा। एक अन्य व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसके संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा।